हैं, जिन्हें लोग सिलोचन के नाम से जानते हैं, जिनके यहाँ एक बड़ी ही सुंदर सी महारानी है। लेकिन याद रखना मेरे श्रोताओं, सेठ सिलोचन के यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं। महारानी जो भी चाहती वो चीज उपलब्ध होती है। पर आपने कभी देखा हो, आज भी जो लोग धनवान होते, जिनके यहाँ धन खजाने पैसे की कमी नहीं होती, अक्सर कर देखना उनके यहाँ जो महिलाएं होती हैं, उनके यहाँ जो गृहिणियां होती हैं, माताओं उनकी कोख से संतान उत्पत्ति नहीं होती, और यदि हो भी जाए तो बच्चों के अंदर कोई ना कोई कमियां अवश्य पाई जाती है। एक दिवस की बात, इधर वो सेठानी बड़ी दुखी होती है, विचार करती, विवाह हुए वर्ष नहीं वर्षे हो चुकी, लेकिन अभी तक मेरी कोख से कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई। जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं। तो एक दिवस की बात, वो मैया जो है महाराज को समझाते हुए कहने लगती है, पिया महाराज कहिए। महाराज हमारे विवाह के कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे गर्भ से किसी भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है। महाराज मुझे बड़ी ही चिंता समाई हुई है। धैर्य को धारण करो, शांत हो जाओ। एक ना एक दिन वो समय अवश्य आएगा जब इस आंगन में खिलने वाला वो खिलौना जरूर होगा। लेकिन वो महारानी समझा करके बोली है, पिया सुनो, माताओं जिस प्रकार से आपने देखा हो, घर चाहे कितना सुंदर महल क्यों ना बना हो, अगर जिस घर में एक गृहिणी नहीं होती है तो वो घर भी शमशान नजर आता है। घर में चाहे कितना भी धन खजाना क्यों ना हो, अगर उस आंगन में खेलने वाला एक खिलौना ना हो तो वो धन खजाना भी किसी काम का नहीं होता है। देखिए क्या समझा करके बोली, सुनिए महाराज। Thank you.
सब इधर महारानी ने इस प्रकार से कहा, महाराज धीरज धारण कराते हैं, लेकिन याद रखना बताओ आज भी यदि बहनों बेटियों की शादी होने के बाद यदि उनकी कोख से कोई संतान उत्पत्ति न हो तो आज का समाज उससे बड़ा तंग करता है, बड़ा परेशान करता है। मैंने कभी कभी देखा जिन बहुओं की कोख से संतान उत्पत्ति नहीं होती, समाज के लोग, घर के लोग, परिवार के लोग बड़े ताने मारते हैं, कहते अरे वो तो वांझ है। अगर ऐसी स्त्री का सुबह सुबह चेहरा देख लिया जाए तो क्या कहते, अठन हो जाती, अशुभ माना जाता, यही ना? क्या आपके अपने परिवार खुद की बेटी की शादी होने के बाद यदि उसकी कोख से कोई संतान उत्पत्ति न हो तो क्या आप उसे बांझ कहेंगे? तो क्या आप उसे घर से भगाएंगे? क्या आप उसे ललकारेंगे? नहीं, सीधी सी बात, लोग कहते बेटी है तो अपनी और बहू है तो पराई। यदि आप बहुओं को तंग करोगे तो भैया आप अपनी बेटियों को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि ये बेटियां ही किसी ना किसी घर की जाके बहुएं बनती हैं। मैंने किसी किसी घर में देखा, चाहे शादी को एक माह हुआ हो, चाहे एक साल हो गई हो, किसी किसी घर का ये नियम हो जाता है कि बहुओं की सर्विस बहुत जल्दी होती है। सर्विस यानी जरा सी बात हो गई, पिटाई करनी शुरू कर दी। और यदि आपकी बहन को ससुराल में किसी ने तंग किया, परेशान किया, तो आप गाड़ी भर भर के पहुंच जाते, लाठी डंडे लेके पहुंच जाते। क्यों? मैं कहती मेरे भाइयों, यदि आप अपने घर की बहुओं को परेशान करेंगे तो आप अपनी बेटियों को सुख और चैन से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल तो पूरी पे गुना तैयार है। एक बेटी जब ससुराल में पहुंचती है, उसकी कोख से संतान उत्पत्ति नहीं होती, ससुराल के लोग बड़ा तंग करते, बड़ा परेशान करते, घर से निकालते हैं, भगाते हैं, उसी वक्त वो अपने पिता के लिए एक खत लिखती है। और उस खत में क्या लिखती है सुनिएगा।